लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे जोम्बी वायरस की। क्या 50,000 साल से बर्फ में दफन पड़ा जोम्बी वायरस बन सकता है लोगों के लिए खतरा? एक नया खतरा आपके सामने आ रहा है, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आइए देखते हैं कि खतरा आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं ऐसे में दूसरी और नई नई बीमारियां उभर रही हैं। ऐसे में एक नई समस्या लोगों के सामने खतरा बनकर मंडरा रही है। हाल ही में रूस के साथ कई देशों के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है और बर्फ के नीचे एक वायरस के दबे होने की बात की है। इस वायरस को लोग हल्के में ले रहे हैं, जो आगे चलकर लोगों के लिए खतरे का सबब बन सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं जोम्बी वायरस क्या है। जोम्बी वायरस एक प्रकार का वायरस है जो 50,000 साल बाद फिर से जिंदा हो रहा है। दरअसल इस वायरस की खोज एक्स मार्सेले यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में एमेरिट्स प्रोफेसर मिशेल केलेबरी ने की है। जोम्बी वायरस पोलियो का एक प्रकार है। हाल ही में इस वायरस के बर्फ में दबे होने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर के महामारी होने की आशंका जताई जा रही है। बर्फ में पिघल सकता है वायरस। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक में जमी बर्फ साल 2024 तक गर्मियों में पिघल सकती है। प्रोफेसर केलेबरी की टीम द्वारा की गई रिसर्च में उन्होंने बताया कि साइबेरिया फर्माफास्ट से कई वायरस निकले हैं, अब जो काफी संक्रामक बने हुए हैं। यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बर्फ पिघलने लगी है और एक खतरा आगे चलकर अधिक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान क्या हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जोम्बी वायरस का खतरा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग सेहत पर कई तरीकों से प्रभाव डालता है। इससे मृत्यु दर बढ़ने के साथ ही साथ संक्रमण होने का कारण बन सकता है। ऐसे में शरीर में गर्माहट होने के साथ ही तापमान बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से अस्थमा होने के साथ ही साथ सांस से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।